देखिए जहाँ तक जींद चुनाव की बात है, जींद में जहाँ तक मैंने देखा, कांग्रेस ने, कांग्रेस जनों ने, कांग्रेस नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने एकजुटता से एकजुटता का चेहरा वहाँ पे कांग्रेस का दिखाई दिया, जहाँ तक मैंने दिखाई दिया। हाँ बिल्कुल, जहाँ तक मैंने देखा मेरे को एकजुटता दिखाई दी जींद के अंदर कि कांग्रेस पूरी एकजुटता के साथ मैदान में उतरी है। और जैसे मैंने पहले कहा, उसको बारी बारी क्या रिपीट करूँ कि बहरहाल जो भी इसमें हमारे प्रदर्शन के ये कोई जो जहाँ कोई कारण रहे हैं तो उनके अभी उस पर हम लोग भी इंट्रोस्पेक्ट कर ही रहे हैं, कांग्रेस जन भी कर रहे हैं, और जो हमारे हम लोग सारे साथ बैठ के भी उस पर इंट्रोडक्शन करेंगे ताकि जो है तो ये एक प्रक्रिया होती है। मगर निसंदेह एक चीज़ अवश्य है कि इस चुनाव को हम कोई सरकार के मैंडेट के रूप में नहीं देखते, बाई इलेक्शन था, कई कारण रहे हैं, ये रेफरेंडम नहीं है, कई कारण रहे हैं। भाजपा सरकार का हरियाणा के अंदर जो इनकी जो कार्यशैली रही है, जो इनका कार्यकाल रहा है, वो हमारा मानना है बहुत ही निराशाजनक रहा है। और हर वर्ग जो आशाएं थी उन आशाओं को चकनाचूर इन्होंने हुई हैं। जो हर वर्ग की जो आशाएं थी, चाहे वो किसान था, गरीब आदमी था, छोटा व्यापारी था, नौजवान थे, चाहे हर वर्ग, ये सरकार, मैं समझता हूँ ये सरकार का कार्यकाल संतुष्टिजनक नहीं रहा है। और कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो प्रदेश के अंदर एक सकारात्मक विकल्प भाजपा के को किस इस निकम्मी नकारा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए एक सकारात्मक विकल्प कांग्रेस पार्टी ही, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का कर देते थे, और कांग्रेस पार्टी ही एक सकारात्मक विकल्प लोगों के सामने से हुड्डा के खिलाफ लगातार सीबीआई सिंह अटैक रही है, छापेमारी भी की गई है काफी ठिकानों पर, इस पर आप क्या कहते हैं? मैं इसको बहुत ही भाजपा की, मैं भाजपा की गिरी हुई राजनीति बताता हूँ। एक बदले के कंजे में है, बदले नहीं इसमें निसंदेह। और बताओ, देखो नहीं इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। आप पिछले एक हफ्ते में देखो कि सीबीआई और ईडी कहाँ गई, एक हफ्ते में ममता बनर्जी, मायावती जी, अखिलेश, हुड्डा साहब, गांधी परिवार, मैं एक हफ्ते की बता रहा हूँ, आप एक महीने की निकाल लो, उसमें केजरीवाल भी हैं, उसमें सारे। तो ये कोई जिस तरीके से देश को, मैं समझता हूँ जो भी लोकप्रिय आवाज़ किसी भी प्रदेश में, कोई भी लोकप्रिय आवाज़ भाजपा के खिलाफ दिखाई देती है, भाजपा को कोई लोकप्रिय नेता दिखाई देता है जो उस प्रदेश में उस भाजपा के समीकरण बिगाड़ने का की क्षमता रखता है, उसको निशाना बनाने का काम बीजेपी कर भाजपा के